ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपके परिवार में आपके शत्रु कौन हैं? क्योंकि दुश्मनी जो है, शत्रुता जो है, आपकी कभी भी किसी के साथ हो जाती है। हमें पता होता है कि यह हमारे शत्रु हैं, लेकिन कई बार ये पता नहीं होता है कि कौन हमारे शत्रु हैं। दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि मैं कहीं भी आपके परिवार में या आपके किसी भी चीज़ में तकलीफ़ या तनाव करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप जान पाएँ कि हमारे रियल शत्रु कौन हैं जो हमें हमारे फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को मैं आपको बताऊँ, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फ़ीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब भी इस तरह की बात आती है तो वो लोग जो आपके सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण शत्रु हैं, जो आपको अपने दिमाग से मैनिपुलेटेड करते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे, वो आपकी बात उनके बारे में कहेंगे और इन दोनों के बीच चीज़ें तनाव में हो जाती हैं। और यही चीज़ किसी भी परिवार के लिए दिक्कत दे विषय। आप अपने दिमाग से सोचें, परिवार की एकता के लिए सोचें, हम सब एक साथ कैसे अच्छे से रह सके उस बात के लिए सोचें। उन लोगों को इग्नोर करें जो लोग आपके मन में भ्रांतियाँ भरते हैं, संदेह भरते हैं, गलत फहमियाँ भरते हैं। वो सबसे बड़े शत्रु हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं शक और शंका भर के। दूसरे वो लोग जो लोग आपको ये कहते हैं कि आपके घर किसी ने कुछ करवा दिया या कुछ हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की भ्रांतियों में आप न पड़ें। कोई किसी पर कोई बस नहीं है, कोई किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का जप करें, भोलेनाथ का जप करें। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, किन्हीं भी देवी देवता को पूर्ण श्रद्धा से मानते हैं, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इन पारिवारिक शत्रुओं से आप सावधान रहें, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और इन लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि इनकी बातों में अगर आप आएंगे तो अपने परिवार को आप नेगेटिव वे में ले जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, ऐसे लोगों से बाहर रहें, चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करें, खुद समझें और आगे बढ़ें। ओम नमः शिवाय।